मम्मी जी क्या कर रहे हो? अटैची क्लीन? पापा चले गए काम, मम्मी कर रही हैं। अब ये है ना, ये क्या कहते हैं, हाँ क्लीन तो है, पर ये जो है ना, ये थोड़े से जो वो हो जाते हैं किनारे, जैसे कहते हैं ना कॉर्नर्स, कॉर्नर्स काले वाले हो जाते हैं। काले नहीं है, धूल मिट्टी घुस जाती है। दिखाओ कैसे, कौन से किनारे? ऐसे करके साफ करना होता है, ऐसे ऐसे फिंगर से ऐसे ऐसे ये। समझ गए? पता नहीं मुझे आता है कि नहीं, तो प्लीज आप लोगों को बताओ तो कमेंट में बताना कि इसका कवर कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे साइज कैसे बोलना पड़ता है। तो इनके कवर भी आते हैं? पता नहीं यार, पहले तो आते थे सब चीज के, अब कवर वगैरह बंद हो गए लगता है। ठीक है चलो सफाई करते हैं, फिर बाद में मिलेंगे। क्या हो गया? मुझे लगा छोटे पापा कैसे आ गए। कोर्स चेंज करा दिया मैंने। कोर्स? हाँ, बी फार्मेसी LLB ले लिया, मेरे तो नहीं हुई। अच्छा LLB की ड्रेस है ना। अब सारा हमारा केस लड़ेगा, अब किसी को भी केस लड़ना है तो आप। मैं बच्चे यही कह रहे भाई, तेरा डिपार्टमेंट बगल वाली बिल्डिंग में भाग गया था। मैंने कहा नहीं, मैं 4 साल तुम्हारी 4 साल खराब करूंगा। नहीं पर अच्छा लग रहा है। मैं पापा भी ये कह रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है हमारे छोटे पापा। अंजलि खाना लगाओ। खाना तो मैंने बनाया नहीं है जी। ब्राउन राइस बना देना आधी कटोरी में, एक रोटी खाऊंगा ब्राउन राइस खाऊंगा। तो आज बनाए घर में सिंपल खाना, दाल चावल रोटी। तो भाई ये सारांश, सिंपल खाना कैसा लगा आज का? बढ़िया सारांश खा रहा है हमारा दाल चावल, पर इसके बने अलग ब्राउन राइस। ये ऐसी चलनी रखी है, इसमें मैंने पसाए थे तो जो, और यहाँ पसाए थे मींस मम्मी ने पका के इसमें रख दिए थे। पसाना मतलब कहते हैं कि उसका पानी छानना। हाँ मतलब तो पानी पका के पानी निकाल देते हैं। हाँ। और ये वाले राइस वाइट राइस मैंने कुकर में बनाया, यानी कि मतलब पानी उसी के अंदर सूख जाता है। हाँ। तो हमारा अय्यो पापा अय्यर आ चुका है, दूसरा अय्यर, ये हमारा पहला अय्यर जो है। अय्यर साहब बहुत टाइम बाद में ऐसे तो अरहर की दाल और चावल खा रहा हूँ, गरम 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 गरम। और ये तो कभी बंद होगा नहीं, ये कभी बंद नहीं हो सकता। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। मैं इसकी कॉपीराइट क्या करेगा, मैं तो बोल रही हूँ कौन सा इसका दिखा रही हूँ। स्मार्टी बस स्मार्टी, ऐसे मत देखो दोनों मुझे। The next morning. नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे न्यू ब्लॉग में। तो मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया था कल कि मैं शॉपिंग कर रही हूँ, और मैं क्यों कर रही हूँ, इतनी शॉपिंग क्यों हो रही है वो ज़्यादातर लोगों को पता होगा, पर जिसको नहीं भी पता है तो मैं बता दूँ, वो शॉपिंग इसलिए हो रही थी क्योंकि मेरे जो शर्मा जी हैं, यानी मेरे हस्बैंड, मैं अपने हस्बैंड को शर्मा जी बोलती हूँ, तो वो जा रहे हैं दुबई। टिन टिन, वो जा रहे हैं दुबई, तो इसलिए हम शॉपिंग कर रहे थे। जो मतलब वो कभी अपने लिए जैसे कुछ होते नहीं, ज़्यादातर सब घर में होता है कि जो जेंट्स होते हैं, पापा होते हैं, वो मतलब हमको दिलाते रहते हैं, बच्चों को दिलाते रहते हैं, पर अपने लिए कभी कुछ नहीं खरीदते। तो इसलिए उनके लिए मैंने ख़रीदा, मैं लेकर आई, और वो भी मेरे साथ गए थे पहले, लेकिन बाद में नहीं गए, तो वो मना ही कर रहे थे। मैंने कहा नहीं यार, नहीं अच्छा नहीं लगता है, तो वैसे आप नहीं लो, मत लो, बिल्कुल मत लो, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो मैं उनके लिए दिला के लेकर आई, मैं लेकर आई, और मेरे संग में सारांश भी गया था, तो हम दोनों सारांशों में उनके लिए लेकर आए थोड़ा थोड़ा सामान जो कि जो उन पर नहीं था, जैसे नेकर हो गया, टी शर्ट्स हो गई, और सामान सारा था। अच्छा तो तुम पर नेकर अच्छा बताना, नेकर है? तो ये नेकर मैं पहन के, ये नेकर फट रहा है तुम्हारा, ये नेकर कोई बात तो ये फटा नेकर लेके जाओगे, अच्छा लगता है कोई फटा नेकर ले जाना? कहाँ से फट रहा है यार, कैसे लगता है ये देखो, अभी से अपनी पैकिंग शुरू कर दी है, और मैंने सब निकाल के रखा है इसमें, और सलीके से लगाना है बस। भाई सुबह 6:15 की फ्लाइट है, पापा की कुर्सी पे तैयार, 11 बजे पहुंचना है। फटो यार, आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये इनको मिला हुआ है गौरव शर्मा का, और ये अपने अटैची में इनको अटैच करना है लगेज में, ये लेके जाना है। एक ऑलरेडी बैग मिला है, उसमें भी है, वो उसका मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी शॉर्ट रील में कि ये उसमें क्या क्या मिला है इनको। अब ये
तैयार। अभी खाना भी नहीं बना, खाना खा के जाएंगे, 5:30 बज रहे हैं, तैयार हो गए। ये इनकी शुरू से आदत है कि ये तैयार होके अभी सोफे पे लेट जाएंगे और ये देखो टाइम देखना भूल गया मैं, 6:30 से। जी जो टी शर्ट पहनेंगे मैं इनके लिए लेकर आई थी, तो कलर थोड़ा मुझे ऐसे ही लग रहा था, पर ये टी शर्ट इनको इतनी कम्फर्टेबल लगी, इतने अच्छे मतलब उसकी है ये। पीनू जरा एक मिनट लाइट जला दियो। वाकई में पता है, जैसे कह दो ना अच्छे लग रहे तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताना। तो बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं आज, फंकी फंकी से। ओहो इतनी खुशी, इतनी खुशी। यो कहते हैं कि हाँ तुम क्या सोचती हो, तुम भी सुंदर लग सकती हो, तुम भी मस्त लग सकती हो, हम सुंदर नहीं लग सकते। सही बात है, मैं भी, हम भी तो लग सकते हैं। तुम तो ऑलरेडी हो सुंदर, और कितने सुंदर बनोगे, ले जाएगी कोई। शर्मा जी कह रहे काश आज तक तो ले जाना भाई। ले जाना भाई, बस हो गई मस्ती से, फटाफट से पैकिंग कर देते हैं क्योंकि इनका हल्ला शुरू हो गया है। अब जब तक ये जाएंगे नहीं इनका हल्ला मस्ता रहेगा, तो इसीलिए इनकी पैकिंग करा देते हैं फटाफट से। और यहाँ पर पूरी इनकी किट रेडी हो गई है। इसको इसको दे दो, ये लो 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 लो, अपनी किट लो, किट लो, किट लो, किट लो, किट लो। यहाँ पर इतने सूट वूट सब निकाल दिए थे लेकिन इनमें से कुछ नहीं लेकर आए, केवल एक ब्लेजर लेके जा रहे हैं। तो इनकी ये मीटिंग में मतलब ये है कि जिस दिन क्या होता है वो नाइट, कौन सी नाइट होती है, अवार्ड नाइट, हाँ सॉरी सर अवार्ड नाइट है, उसमें इनको ब्लेजर थोड़ा सा वो हो जाए स्टेप डांस। ये हनी सिंह बहुत हैंडसम लग रहे हो यार, गजब। अरे जो भी कह देता है ना किसी को कि आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो या अच्छे लग रहे, सिर्फ फटाफट वो यही गेट खोलता है क्योंकि हमारे सामने शीशा यही वाला है, तो सब अपने आप को पहले यहाँ शीशे में देखते हैं। अब मम्मी ब्लॉग देखेंगी तो कहेंगी गरम गरम। तो भाई इनको टाई लेके जानी है, मैंने टाई ढूंढ दी है, पीनू ने उतार दी ऊपर से, तो इनको ब्लू टाई लेके जानी है कॉम्बिनेशन में। तो ब्लू वैसे इनको ये भी अच्छी लग रही है, मुझे ये भी अच्छी लग रही है ब्लू, बट ना यार ये रखी हुई थी यूज़ में नहीं थी, तो देखा था तो इस पर स्पॉट है छोटा सा, ये रहा आप लोगों को भी दिख रहा होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि अब यही वाली टाई ले जाएंगे, पर ये भी अच्छी लग रही है। हटना, कहाँ अपना पेट घुसा रहा है इसमें। मैंने उसे ये वाली शर्ट निकाल दी मैंने वाइट, और ये ब्लेजर हो गया, अब पैंट और देख के लानी है। यहाँ पर वीडियो कॉल कर करके देख रहे हैं साहब कि वीडियो कॉल क्यों, किस ऐप पर करिए वीडियो कॉल, क्या नाम है, बायोटिन बोटिम ऐप। यहाँ वीडियो कॉल आ चुकी है, शर्मा जी दुबई से वीडियो कॉल उठा रहे हैं। ऐसी दुबई से उठेगी। हेलो गाइस, ऑलमोस्ट पैकिंग हो गई है, बस चुटमुट सामान रह गया है, वो सब रख दिया है जो कुछ भी रखना था। और यहाँ शर्मा जी बिल्कुल रेडी बैठे हैं, यहाँ सारांश है, यहाँ पीनू है, और यहाँ मैं ब्लॉग कर रही हूँ। तो बस शर्मा जी बिल्कुल टेंशन में, ऑल टाइम की तरह। पापा अकेले जा रहे हैं तो ये हाल हो रहा है। सब जाते तो टंकियां ऐसे होती, फ्रिज इधर हो जाता, टीवी कहीं और पहुंच जाती, कुछ ना कुछ तो हो जाता। मैं यदि जहाज छत पर से निकलेगा वहीं से पकड़ लूंगी रस्सी डाल के, क्योंकि अभी मेरा लाइनर लग रहा है। क्या लग रहा है, लाइनर होता क्या होता है, लाइनर आई मीन वो सूख रहा है, जैसे पंखा हो रहा था उसके, सूख जा भाई देख लो गाइस। तो ये बैग है, ये बैग मिला है, तो ये बैग की मैंने वीडियो भी बना ली है अभी अभी, तो आप ज़रूर देखना मेरे चैनल पे दिल की गुंजन पे, अच्छी लगेगी। मैंने बताया है कि इस बैग में क्या क्या इम्पोर्टेंट सामान है, तो वो आप ज़रूर देखना। तो यहाँ पर भिंडी की कर ली है तैयारी, और तोरे भी बना रही हूँ साथ में। तो भाई पैकिंग हो चुकी है, और जाने से पहले मैं खाना भी बना दूँ क्योंकि निकलना है, तो खाना भी बना देते हैं, खाना खा के जाएंगे। भिंडी और तोरे ही बना रही हूँ साथ में, और बस ये है कि खाना वाना खा लें। पैकिंग वैकिंग सब डन हो चुकी है, सब अपने अपने काम हिलने से लग चुके हैं, जितना भी सामान वामान उठा के रखना है रख चुकी हूँ, थोड़ा बहुत रह गया है वो धीरे धीरे कर लो। राम राम भाई, सर आज मैं 75 हाड़ का
चौदवा दिन। तो मैंने सबसे पहले सुबह उठ के एक केला खाया, उसके बाद मैं वॉक करने गया, वापस आके मैं नहाया, नहाने के बाद खाई मैंने रोटी, और रोटी खाने के बाद शाम को, नहीं रोटी नहीं खाई ना आज, खाई थी हाँ खाई मैंने रोटी, सब्जी क्या खाई थी, उबले आलू, हाँ रोटी के साथ एक उबला आलू खाया। और फिर मैं शाम को थोड़ा बहुत ऐसी एक्सरसाइज घूमने वूमने निकल गया, और आधे घंटे बाद मैं आया, उसके बाद मैंने अपना प्रोटीन सैलेड बना खाया, उसके बाद खाया, उसके बाद मैंने खाए पीनट बटर और ब्राउन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड मैं आपको दिखा था, उस पर बड़ी सही लेके आया, वो भी तो बनाई थी चार तूने, प्रोटीन सैलेड, हाँ जो मैंने थोड़ा बहुत दिखा दिया था वही प्रोटीन सैलेड दिखा दिया था। इसमें देख के बोलना। तो गाइस देखो ये लेके आया हूँ, छोटू वाली ब्रेड लेके आया हूँ इस बार, और ये मेरे को सही लगी, जहाँ मैं एक ब्रेड खाता हूँ वहाँ मैं अब दो खाता हूँ, मतलब एक सैंडविच खाता तो खाता था बड़ी ब्रेड का, जो छोटी वाली ब्रेड है इसके मैं दो पीस खा लेता हूँ, मतलब इस बार ने खा भी ली, अब दिखा रही ना उन्हें खिला खा के। तो राम राम जी, मम्मी के फोन में मेरा स्वागत है, मम्मी का फोन हाईजैक कर लिया मैंने, और ये हमारा कुली जो है पापा को छोड़ने जा रहा है, इसी के साथ मैं भी आ गया हूँ। चप्पल नहीं मिली तो पापा के जूते डाला है मैं, जो ऑफिस पहन के जाते हैं, चप्पल पीनू पहन गया था, मेरी चप्पल पीछे थी आंगन में, इतना टाइम मेरे पास था नहीं, मैं बहुत ज्यादा बिजी पर्सन हूँ। और ये आ गई पापा की बहू। अरे पीछे हो जाओ, गाड़ी ठोक के चली जाएगी, पीछे आ जाओ। तो गाइस पापा की सवारी आ चुकी है, बस पापा जा रहे हैं, पापा ने अभी एक ड्रॉप तक जा रहे हैं, वहाँ से कैब में जाएंगे। हाँ हाँ अभी तो अंकल के घर जा रहे हैं। सही है भैया ओटीपी, चलो ध्यान रखना अपना, ठीक है बाय। और वो आपका वो बोट टीम जो है उस पर हम बात करते रहेंगे, ठीक, मैसेज भेज देना बहुत, मैं खुद ही कर लिया करूंगा बोल। हाँ हाँ बस मैसेज कर देना, कभी कभी कॉल, हाँ वीडियो बना बना के भेजना ऐसे में, हम गाइस आपको दिखाते रहेंगे, पॉसिबल होगा तो भेज दूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाय बाय। तो पापा गए, और पापा के साथ साथ एक और चीज चली गई, मम्मी बताएंगी वो, मम्मी क्या चली गई, क्या चली गई, जल्दी बताओ ना क्या चली गई। उनकी खाने वाली पोटली। नहीं नहीं खाने की पोटली नहीं, एक और चीज, खाने की पोटली तो गई, और क्या गई, उनका वाइपर, उनका वाइपर वाला। अबे नहीं, रात के खाना बनाने की टेंशन वो भी गई। गेट खोलो जल्दी, मरेंगे जल्दी, गेट खोलो गेट खोलो, भागो भागो, थक गया 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 थक गया, पागल हो गया पीनू, पीनू पागल हो गया, पीनू पागल हो गया, पीनू पागल हो गया, पागल हो गया पीनू, इतनी 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 क्यों करता है, फिर चेस्टा ये पागल हो गया लगता है, ये पागल हो गया भाई साहब। अरे नहीं दिखा मुझे, मैं दिखाया बैठ देखा, मैं दूध दूध गरम गरम है ना, दूध खुद पिया, दूध पीने से ताकत आती है, इस अच्छे नहीं, दूध पीने से ताकत आती है, ये बढ़िया।